my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs some antiseptic. मनी प्लांट बहुत बहुत प्यारा प्लांट होता है फ्रेंड्स, उसको कितने भी छोटे से छोटे प्लांटर में लगा दो तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे थोड़े से प्लांटर्स हैं यहाँ पे। ये मेरा एक नारियल के खोल का, मतलब उसका जो ऊपर का शेल होता है उसका मैंने हाफ करके बनाया है और मैंने इसको उल्टा लगाया है। तो इसको अच्छे से पैक कर दिया था ताकि मिट्टी जो है वो गिरे नहीं, और इसमें भी मनी प्लांट लगाया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब थोड़ा अंदर के प्लांटर्स देखते हैं। इसमें मैंने रियल प्लांट्स नहीं लगाए हैं। ये मेरा जो सेरेमिक का और कपड़े की उससे यूज़ से ये मैंने पॉट बनाया है, तो इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं। और एक ये पॉट बनाया है मैंने जो सीडीज़ का है, ये भी बहुत प्यारा पॉट लगता है। ये मैंने इसमें मैंने कुछ प्लांट नहीं लगाया है, इसको मैं ऐसे ही सिंपली रखती हूँ डेकोरेशन के लिए। और मैंने इसके अंदर एक लाइट भी फिट की है, किसी बच्चों के किसी टॉय में थी ये लाइट, वहाँ से मैंने निकाल के अपने यूज़ कर ली। तो ये इस तरह से बहुत सुंदर लगती है दोस्तों ये। और ये मैंने ऐसे ही शो पीस की तरह इसको मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा एक प्लांटर है, बस मैंने जो सूतली वाली जो रस्सी आती है उसको हाफ हाफ रैप कर दिया है। कभी कभी मुझे कुछ सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पे ना मैंने पिस्ता शेल यूज़ किए हैं और ये बीच में हॉट ग्लू गन से यूज़ किया है और उसके ऊपर जो कॉपर का कलर होता है वो मैंने कर दिया है। ये भी एक नारियल का हाफ शेल का मैंने बनाया, बहुत छोटू सा प्लांटर है और उसमें मैंने एक गणेश जी बैठा दिए हैं प्लांटर्स के साथ, मुझे बहुत प्यारा लगता है।
और मेरे पास जितने भी मग हैं ना, अब ये मग ऐसे हैं कि हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो अगर ब्रेक हो गए तो ये मेमोरीज़ हैं तो दिल दुखेगा। इसलिए मैंने इन्हें प्लांटर्स एज अ प्लांटर्स मैंने इन्हें यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक बोतल बनाई है दोस्तों, बस नीचे ऊन लपेट दी है और ये जो हमारा एक रैपर होता है ना, फ्रूट्स वगैरह में रैप होके आता है जनरली, अमरूद या एप्पल वगैरह में, बस उसको ना मैंने उस पर पहना दिया है एक तरह से। ये मेरी एक बोतल है, इसको मैंने पहले तो डॉक्टर टेप से कवर करके, जो सेरेमिक से फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स बना के इन पे चिपकाए हैं, थोड़े से मोती चिपका दिए थे। ये एक बॉक्स था फ्रेंड्स, पता नहीं किसी का लाइट का था कोई, तो मैंने ये बनाया था। ये डब्बों में मैंने बहुत सिंपली सूतली को रैप कर दिया है, मेरी बेटी की कोई हेयर क्लिप का फ्लावर था वो लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे किचन की विंडो है, यहाँ पे भी मैंने बोटल्स को डबल करके प्लांटर बनाया है। ये मेरे जो कप थे वो वेस्ट हो गए थे, अब मैं इनमें प्लांट्स लगाऊंगी। ये मेरे एक छोटू सा पिग शेप वाला प्लांटर था और यहाँ पे मैंने सारे शेल यूज़ कर लिए हैं इस प्लांटर को बनाने के लिए। ये बहुत सिंपल सा ऐसे बना दिया है मैंने कि इसमें बस एक लेस रैप कर दिया। ये बहुत प्यारा लगता है दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा ना समुंदर का सा लुक दिया है, शीप वगैरह और सब बहुत सुंदर है। ये फ्रेंड्स आपकी जो झाड़ू होती है ना, जब वो ख़राब हो जाती है तो जो हैंडल के अंदर स्टिक्स होती है ना, वो स्टिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और जस्ट रैंडमली बड़ी छोटी ऐसी काट के लगा दी है। ये एक और बोतल है, अगेन इसमें मैंने वही फॉर्म यूज़ किया है जो फ्रूट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और एक बीच में बेटी की हेयर क्लिप थी वो लगा दी है। ये दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लांटर है, इसके अंदर एक मग आया था, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो उसका ये पैकिंग थी थर्माकोल की ऑब्वियसली, और इस पर मैंने जो आपका अखरोट होता है उसका शेल को यूज़ किया है। तो अभी ये नया है, अभी मैंने इस पर प्लांट लगाया नहीं है, तो मैंने एक साइड ब्लैक और एक साइड वाइट को कॉम्बिनेशन करके जो अखरोट के शेल हैं उन्हें यूज़ किया है। जल्दी इसमें मैं एक प्लांट लगाऊंगी। और ये बहुत सिंपल सा रखा है मैंने, इसमें सिर्फ पिस्ता सेल लगाए हैं और बस एक वुडन पॉलिश करती है मैंने। ये एक मेडिसिन की बोतल थी तो मुझे बोतल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इस तरह से मैंने इसको अपने बाथरूम में यूज़ किया है। ये एक बोतल है जिसको मैंने ऊन से रैप किया है और कुछ मोतियों को यूज़ किया है डेकोरेट करने के लिए, बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड्स। ये और ये मेरा एक मग था, मेरा पूरे बाथरूम सेट का एक पीस है, तो ये टूट गया है तो मुझे फेंकने का मन नहीं किया, तो मैंने सोचा प्लांटर लगा लेते हैं, मैचिंग तो रहेगी एटलीस्ट। यहाँ पे मैंने चावलों को यूज़ करके ये बोतल डेकोरेट की है और पिस्ता के शेल यूज़ करके, थोड़ा सा ग्लिटर भी मैंने इसमें यूज़ किया है। और एक ये बोतल है मेरी, इसको मैंने सूतली से रैप करके गांठ बना बना के इसको डिज़ाइन दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं, बाय।